नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भयंकर गर्मी से निर्वाचन कार्य में लगाए गए चुनाव कर्मी हलकान है। एक तो निर्वाचन और मतदान कराने का काम जोखिम भरा है, वहीं भयंकर गर्मी और लू निर्वाचन कर्मियों पर कहर बनकर टूट रही है। चुनाव कर्मी बेहद हलकान और परेशान है। मौसम का तापमान 40 डिग्री पहुँचा है। ऐसे में यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कर्मियों को किस हद तक परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। औरंगाबाद शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज स्थित ईवीएम डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्रियों के साथ बारी बारी से बूथवार क्लस्टर सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। पहले सुदूरवर्ती मतदान केंद्रों के कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। बेगूसराय में तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को ठगने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मुद्दे की बात न करके परिवारवाद पर बात करते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो रोजगार की भरमार लगेगी और युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को चाइनीज माल करार दिया है। टिकट न मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के नेता बुलो मंडल ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर ली है। गुरुवार को सीएम नीतीश ने उन्हें जदयू की सदस्यता दिलवाई। लालू प्रसाद वाला राजद अब नहीं रहा, मेरी जरूरत अब राजद को नहीं रही, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, मैं विपक्ष में था और कटाव विरोधी कार्य के लिए मैंने मुख्यमंत्री से अपील की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 करोड़ की योजना दे दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की सभा में लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की मां को गाली देने के मामले में सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत कर दी है। एनडीए के नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में एक टीम निर्वाचन विभाग पहुंचकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर रही है। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण का चुनाव होगा। शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती समेत 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 92,602 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 153 कंपनियां तैनात की गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी।